सरकारी स्कूल के सामने नर्क बना हुआ है, इसे कोई न दिखाने वाला न कोई देखने वाला। गाय माता का जगह है गौशाला, लेकिन गाय माता यहाँ पर घास ना चर के कचरा चर रही है। ये है असली सच्चाई, ये है विकासपुरी विधानसभा की सच्चाई, जो आपको दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जनमंच न्यूज पर दिखेगा। ये समस्या कब से इस एरिया में है? वो जब से हम जन्म लिए तब से। हाँ जी हाँ। ये देखिए, ये जब से जन्म ली है तब से ये कूड़े के अंबार देख रही है, सड़क की समस्या देख रही है, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है? ये है लंदन पेरिस, ये देखिए सामने एमसीडी का ऑफिस है, और ये देखिए एमसीडी ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है। आपका एक व्यू पॉइंट दिल्ली की सूरत और सीरत बदल सकती है, बदलेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जनमंच न्यूज और मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस वक्त मैं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ और इस विधानसभा का एक तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली सरकार का 3 सरकारी स्कूल है जो स्वर्ग जैसा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये नर्क। सरकारी स्कूल के सामने नर्क बना हुआ है, इसे कोई न दिखाने वाला न कोई देखने वाला। गाय माता का जगह है गौशाला, लेकिन गाय माता यहाँ पर घास ना चर के कचरा चर रही है। ये है असली सच्चाई, ये है विकासपुरी विधानसभा की सच्चाई, जो आपको दिल्ली के राष्ट्रीय चैनल पर नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको जनमंच न्यूज पर दिखेगा। रुको, ये देखिए मैं मास्क लगा लेता हूँ, चूंकि बहुत गंध आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मुझे मजबूरी है दिखाना आप लोगों का कि देख लीजिए कचरों का अंबार यहाँ पे। देख रहे कूड़ा यहाँ पे डाल रहे, रोड पे डाल रहे, कोई अच्छी चीज है? जो अरविंद केजरीवाल जी दावा करते हैं कि मैंने दिल्ली को लंदन जैसा, पेरिस जैसा शहर बना दिया है, ये है दिल्ली सरकार का लंदन पेरिस वाला शहर। ये देखिए, ये कूड़ा घर नहीं है, फिर भी कूड़ा घर बना दिया गया। ये नर्क है, ये नर्क है, उधर देखिए स्वर्ग है। सरकारी स्कूल है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये सड़क है, सड़क का हाल देख लीजिए आप, सड़क का क्या हाल है। इस स्थिति में आम जनता यहाँ पे रहते हैं, इधर भी तस्वीर में देख लीजिए आप क्या स्थिति है। आप इधर ही रहते हैं, काम करते हैं? कितना घंटा काम करते हैं? हम 10 घंटे काम करते हैं। बर्दाश्त हो जाता है? नहीं होता है, साफ सफाई होती ही नहीं है, यहाँ पे गंद मचा रहता है। तो फिर कैसे काम कर लेते हैं? काम तो करना पड़ता है, थोड़ा अपना अड्डा साफ कर काम करते हैं, बट ये गंदगी सही नहीं है, बीमारी फैलती है इससे। आप कहाँ रहते हैं? रोटी नहीं खा पाते, गंदगी है, कूड़ा, इतना कचरा फैला रखा है, कोई साफ सफाई नहीं। देखो ये सड़क कितनी गंदी है, कोई चल नहीं पाता है गलियों में। अब इससे जाते और क्या है, और विधायक जी से सबसे खूब रिक्वेस्ट, क्या होता है, कोई कोई नहीं करता इसका, कोई ध्यान नहीं देता है, ध्यान नहीं देता। शिकायत की है आप? सब जगह शिकायतें करी हुई है, मैं अंदर से लेके हर जगह में शिकायत करे, कहीं नहीं हो रही थी। और अब तो जितना कूड़ा है और इतनी गाय है रोड पे, ये गाड़ी चलाना लोगों को दुबर हो गया है, वो डिवाइडर खुद बन गई है गाय वहाँ पे। ये तो पहले गाय घर के अंदर रहती थी अपने, जो घेर, जो भी घेर था इनका उसमें रखते थे लोग। अब जितनी गाय है शेरिए के सारे रोड पे रहती है, और जितना कूड़ा है वो सब रोड पे रहता है, गाड़ी निकालना मुश्किल है। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार सरकार है, यहाँ की विधायक है, निगम पार्षद उसकी, MLA उसकी, यहाँ के मुख्यमंत्री उसकी, ना हमारा MCD है, ना MLA है, ना हमारा मुख्यमंत्री है, सब कुछ उन्हीं का है। भाई मैं विकास नगर का निवासी हूँ, बी ब्लॉक का, और मेरे घर के सामने दो तीन साल से ऐसा गंद मचा रखा, ना रोड बन रही, और उसके बाद में जब ये नई सरकार बनी उसमें तो इन्होंने बिल्कुल ही गंद मचा दिया, इन्होंने तो बिल्कुल ही हद कर दी। टॉफी जैसा लालच देते हैं, रक्षाबंधन पे राखी बंधवाएंगे, उसके बाद में टॉफी जैसा लालच दे दिया सारे समाज को, ये अच्छा नहीं है। सोचिए सोचिए, ये जो सड़क जा रही है कितनी साफ सुथरी सड़क है, और सड़क के किनारे ये हाल है।
आपको दिल्ली के कई इलाकों में ये देखने को मिलेगा। गाय को लोग कहते हैं कि हम माता कहते हैं, पूजा करते हैं, और गाय को इस तरह से छोड़ दिया गया है। ये स्थिति में गाय भी बेबस है, गाय भी सोचती है कि मैं किधर जाऊं, घास तो मिल नहीं रहा है, चलो कूड़ा ही चरते हैं। ये कूड़ा चरने को मजबूर है, और कूड़ा चरने को मजबूर किसने किया? दिल्ली सरकार ने। क्या सड़कें बनी? तीन सवाल आपके सामने है, कूड़े का अंबार, दूसरा मवेशियों के लिए ठिकाना, तीसरा सड़क। ये तीनों सवाल आपके सामने है, जो आपने कहा था कि मैं दिल्ली को लंदन जैसा, पेरिस जैसा बनाऊंगा। 10 साल आपका सत्ता का मजा लिए हुए दिल्ली में हो गया है, लेकिन 10 सालों में स्थिति जस के तस है। सही बात है, गलत बात है? रियल बात है, जैसी की तैसी है। ये समस्या कब से इस एरिया में है? वो जब से हम जन्म लिए तब से। हाँ जी हाँ, ये देखिए, ये जब से जन्म ली है तब से ये कूड़े के अंबार देख रही है, सड़क की समस्या देख रही है, इससे बड़ी सच्चाई क्या हो सकती है? और ये देख लीजिए, एमसीडी का ऑफिस है इधर, ये देखिए एमसीडी की गाड़ी लगी हुई है कूड़ा साफ करने के लिए, ये देखिए जेसीबी है, इधर देखिए ट्रक है ले जाने के लिए, ये देखिए एमसीडी ऑफिस का ये दफ्तर जाने का रास्ता है, ये देखिए आप, ये देखिए ये एमसीडी का ऑफिस है, देखिए एमसीडी गाड़ी भी लगी हुई है, और जस्ट इसके पीछे कूड़े का अंबार लगा हुआ है, और ये देखिए सड़क है, धूल उड़ रही है, और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। ये है लंदन पेरिस, ये देखिए सामने एमसीडी है, सामने एमसीडी का ऑफिस है, और ये देखिए एमसीडी ऑफिस के सामने, दफ्तर के सामने कचरे का अंबार लगा हुआ है। सड़क के बारे में बोलना चाहता हूँ कि बंदे आधे आधे के घंटे जाम में फंसे रहते हैं, इस कूड़े की वजह से आगे ही फंसे रहते हैं। ये सड़क उत्तम नगर को जाती है? हाँ जी, उत्तम नगर जाती है, विकासपुरी भी जाती है, विकासपुरी भी जाती है, और आगे तक पूरा रोड टूटा हुआ है, वहां से लेकर पूरा ये रोड, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है, रिक्शे वाले से लेके गाड़ी वाला, बाइक वाला, कोई भी व्हीकल वाला, सब परेशान रहते हैं। कोई सुनवाई नहीं होती है? आज तक तो हुई नहीं है, शायद आप लोग आए हो तो हो जाए, तो पता नहीं। कहानी एक भाई साहब है, इनसे थोड़ा बात कर लेते हैं। मुझे ये बताइए, एमसीडी ऑफिस के सामने बगल में कूड़े का अंबार, और इधर भी कचरे का अंबार, क्या कहना चाहते हैं? सर ये समस्या तो आज के नहीं है, काफी पुरानी है, और ये कूड़ा अभी तो साइड में है, लेकिन ये रोड पे आ जाता है, जिसमें इतना जाम लगता है कि जब हम स्कूल में बच्चों को लेने जाते हैं तो यहाँ एक घंटों घंटों का जाम लग जाता है इसकी वजह से। कई बार तो बच्चों की छुट्टी भी हुई है इस कारण की वजह से, और जो ये रोड टूटा हुआ है, इस रोड की वजह से इतने एक्सीडेंट हुए हैं, यहाँ पे पानी भर जाता है। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यहाँ के जो भी एमसीडी में है वही जिम्मेदार है। चलिए, इनके अनुसार जो एमसीडी में है जिम्मेदार है। एक पाजी मिले हमें, इनसे थोड़ा बात कर ले। इस रास्ते से कभी गुजरते हैं? भाई रोज गुजरते हैं, रोज गुजरते हैं, गुजरते हैं। क्या हालात है इस रोड का? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। कौन जिम्मेदार है? पता नहीं, जिम्मेदार तो सब है, दिल्ली में जो रहते दिल्ली के लोग गूंगी बह रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाता, सब जगह कूड़ा कूड़ा भरे हुए खड़े हैं सब जगह, सब कुछ। दिल्ली सरकार तो कहती है कि लंदन जैसा बना देंगे दिल्ली को, पेरिस जैसा बना देंगे, बना लंदन पेरिस, कोई क्या बना देगा? कुछ नहीं बना दे भाई, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है। कैसे होगा बदलाव? बदलाव तो भगवान जाने क्या होगा। आप बदलाव नहीं करेंगे? हम क्या कर सकते हैं भाई, वोट करते हैं, करते हैं भाई, इस बार करेंगे, सरकार बदलेंगे, बदलेंगे जरूर, क्योंकि आपका एक व्यू पॉइंट दिल्ली की सूरत और सीरत बदल सकती है। बदलेंगे, चलिए। मंत्री नेता नीति बनाते हैं, लेकिन उनके नियत में ही खोट रहे तो विकास कैसे होगा, कैसे होगा विकास? ये एक यक्ष प्रश्न है दिल्ली सरकार के सामने। जो दिल्ली सरकार दावा करती है, मैंने आपको एक एक तस्वीर दिखाया हर चीजों का,
जनमंच न्यूज आपको बारीकी से हर पॉइंट पर आपको बात करके तस्वीर दिखाकर प्रूफ कर रही है कि दिल्ली में विकास का कार्य क्या है। इसी तरह जनमंच न्यूज आपको विकास के कार्यों को दिखाता रहेगा। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी है तो प्लीज जरूर शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।